दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास एयरटेल सिम है, जियो सिम है, ओडा सिम है, या वीआई सिम है, या बीएसएनएल सिम है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास सिम है, अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो कितने दिन तक सिम चालू रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वाले, जैसे आपके पास ओडा सिम है कितने दिन बाद बंद हो जाएगी, आप सिम कितने दिन में निकलवा सकते हैं, ऐसे जियो की सिम है या फिर वीआई की सिम है या फिर बीएसएनएल की सिम है। आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आपको, मतलब आपकी सर्विस है कितने दिन तक चालू रहेंगी अगर आप रिचार्ज कराते नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा नंबर हैं, अगर आप रिचार्ज जैसे आप नहीं आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को देखना है। आपको बताने वाले हैं कि कितने दिन में आपकी सर्विसें बंद हो जाती हैं, कितने दिन में आपकी सिम रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं अगर अचानक ख़राब हो जाते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको नई नई वीडियो देते रहते हैं जिससे आपको कुछ सीखने या जानने को मिलता रहता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सिम चालू रखने के लिए जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, तो आपको करना क्या है, आपको सिम चालू रखने के लिए सबसे सस्ते जो भी प्लान है वो भी बताएंगे और आपको कितने दिन में सिम आपकी बंद हो जाती है। जैसे बीएसएनएल की सिम अगर आप चलाते हैं तो अगर रिचार्ज आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको इसमें रिचार्ज ख़त्म होने के बाद आपको वेट करना होगा, 3-4 महीने के बाद आपकी सिम बंद हो जाएगी। आपको 3-4 महीने तक अगर आपकी कॉल आती रहेगी लेकिन आपको 3-4 महीने बाद आपकी सिम बंद हो जाएगी, नेटवर्क नहीं आएंगे। उसके बाद चाहें तो आप सिम निकलवा सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं निकलवाना चाहते तो आपकी सिम ख़राब हो जाएगी, फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे, आपका नंबर मतलब बंद हो जाएगा। अब वीआई में आपको रिचार्ज ख़त्म होने के बाद आपको वीआई में ये होता है कि आज 6-7 दिन बाद आपकी सर्विस बंद हो जाएगी, सिम चालू मतलब 6-7 दिन रहेगी उसके बाद बंद हो जाएगी। जैसे आप उधर से कॉल नहीं आएगी तो आपको उसको चालू कराने के लिए 99 का रिचार्ज करा सकते हैं। अगर 2-3 महीने आपकी सिम नहीं रिचार्ज करा पा रहे हैं तो आपकी फिर से चालू कर देगी 1-2 हफ्ते के लिए। लेकिन कंपनी क्या करती है, वोडाफोन जो कंपनी है वीआई, वो अपने यूज़र को एक्टिवेट देखना चाहती है, अगर उसके यूज़र घट जाएंगे तो कंपनी का लॉस हो सकता है, तो इसीलिए कंपनी जो है अपने यूज़र को बढ़ाना चाहती है, तो आपकी सर्विस मतलब चालू कर देगी। अगर आप रिचार्ज तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो 6-7-8 महीने के बाद आपकी सिम बंद कर सकती है, ये कंपनी पर निर्भर होता है। ऐसे अगर आप वीआई सिम नहीं लेते हैं तो आपको वीआई सिम में सुविधाएं मिलती हैं एयरटेल से। अगर आपको एयरटेल जैसे आप यूज़र हैं वीआई सिम चलाते हैं तो एयरटेल में ऐसा नहीं है, एयरटेल में आपके ज़्यादा यूज़र एयरटेल के हो चुके हैं, तो एयरटेल क्या करता है आपके सिम को ज़्यादा मतलब ऑफ़र भी नहीं देता है और आपके जो 6-7 दिन हो जाते हैं तो आपके सिम को बंद कर देता है। 3-4 महीने के बाद आप रिचार्ज नहीं करा पाएंगे तो आप सिम बंद करके अब फिर रिप्लेसमेंट भी शायद नहीं करा पाएँ, क्योंकि आपकी सिम जो बंद हो जाएगी फिर दिखाएगी नंबर, आप जैसे ही लगाएंगे तो इनवैलिड बताएगा आपका, मतलब जियो में ऐसा नहीं है। जियो अगर आप सिम चलाते हैं तो आपको 6-7 महीने 8 महीने 1 साल तक अगर रिचार्ज नहीं करा पाएंगे, अगर मोबाइल में पड़ी रहेगी तब भी आपकी सिम चालू रहेगी, उधर से कॉल आती रहेगी, लेकिन कंपनी से फ़ोन आ गया कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप रिचार्ज करा लीजिए, इस तरीके से कहते रहते हैं। तो आपको जियो में हमको लगता है ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि जियो सिम बंद नहीं होती है। अगर आप लोग रिचार्ज नहीं करा पाते, आपकी फैमिली बड़ी है, सबके में रिचार्ज अगर नहीं करा पा रहे हैं तो आपके लिए जियो बेहतर है, क्योंकि जियो में यह सेवाएं चालू रहती है, उधर से आपके SMS भी आ सकते हैं, कॉल भी आ सकती है अगर जियो में रिचार्ज 5-6 महीने तक नहीं करा पा रहे हैं। तो आपको किस सिम को करना है वो आप पर डिसाइड है, आप जो भी सिम चलाना चाहें आप चला सकते हैं। बस मैं ये बता रहा था कि आप सिम कितने दिन तक चालू रख सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से देने वाले हैं किसी ना किसी ट्रिक पर।